शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बाबा शिव की इस पावन पवित्र कथा में आप सबका स्वागत है। बाबा की बड़ी महती अनुकंपा है कि आप सब इतनी भारी संख्या में आकर मेरे शंभू की, मेरे नाथ की वो वाणी सुन रहे हो, वो कथा सुनने आए हो, जिसे सुनने मात्र से पवित्रता, सुख और स्वर्ग मिलता है, जिसे सुनने मात्र से आपके अपने जीवन में संकटों का विनाश होता है, जिसे सुनने मात्र से तुम्हें तुम्हारे अपने हर विवाद से, हर संकट से, हर तकलीफ से, मुसीबत से मुक्ति मिलती है। ये मुक्तिनाथ है ना, ये पापहर है, ये कष्टहर है, ये दुखहर है, ये दलिद्रहर है, तभी तो इसे कहते हैं कि हर 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 महादेव। ये वो नाथ है, ये वो सकल भूमि का कर्ता धर्ता वो प्रभु है, जिसने सारे लोक किसी ने किसी को दे दिए, पृथ्वी लोक अपने पास रखा। बाबा शिव ने पृथ्वी लोक किसी को भी नहीं दिया। हाँ, विष्णु लोक तो विष्णु लोक को दे दिया, विष्णु जी को देकर संतुष्टि से बैठ गए। ब्रह्मा लोक ब्रह्मा को देकर शांति से बैठ गए। स्वर्ग इंद्र को दे दिया, लेकिन पृथ्वी किसी को भी नहीं दिया। मेरी शिव महापुराण कहती है, मेरे बाबा मेरे नाथ की कथा ये कहती है, ध्यान से समझना, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। अगली बार जब तुम्हें कोई कहे कि पृथ्वी गोल है तो कहना बिल्कुल भी नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार तो अंडे जैसा है, ओवलाकार है। हाँ, पृथ्वी गोल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार अंडे के जैसा है और ऊपर आकाश का आकार कटोरे जैसा है। मानो अर्घे में भगवान शिव रखे हो। बाबा का स्वयं का आकार है पृथ्वी। पृथ्वी के हरे कण कण में शंकर विराजमान है। हर देवालय में, हर मंदिर में,
हर शिवालय में मेरा बाबा विद्यमान है, मेरा बाबा विराजमान है। उसने पृथ्वी किसी को भी नहीं दिया। मैं कह रहा हूं गौर से समझना, शिव महापुराण के नाते से तुम्हें समझाने की बात कह रहा हूं। अगर तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है, अगर ध्यान से समझना, तुम्हारे रिश्ते खराब हैं, अगर तुम्हारे संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, अगर तुम अपने रिश्तों को, अपने नातों को, अपने संबंधों को ठीक नहीं कर पा रहे, अगर तुम अपना कोई भी रिश्ता हर हाल में ठीक करना चाहते हो, तो ध्यान से समझना कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा नाथ करता है, दूसरा कोई नहीं करता। प्रेम के आइकन भगवान कृष्ण है, मर्यादा के आइकन भगवान राम है, पर दोनों मेरे नाथ को पूजते हैं। जब उन पर संकट आता है ना, जब उन्हें कोई आवश्यकता होती है, तो मेरे नाथ की पूजा होती है। भगवान कृष्ण रास रचाते हैं, प्रेम में है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर समझकर, उस रास का राशाधिपति कौन है? भगवान शिव है, मेरा बाबा है, मेरा नाथ है, मेरा शंभू है, मेरा वो डमरूधर है, उस सारी की सारी व्यवस्थाओं का अधिपति है भगवान शिव। गोकुल में गोपेश्वर के नाम से विद्यमान है, ताकि भगवान कृष्ण प्रेम में अपनी परीक्षा पास कर पाए। इधर से ध्यान से समझना, इधर से राजा दशरथ का पुत्र जाता है और उधर से रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान राम वापस आता है। मैं क्या कह रहा हूं, इधर से राजा दशरथ के कुल में बहुत प्रतापी राजा हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे अज की बात की जाए, चाहे रघु की बात की जाए, चाहे दिलीप की बात की जाए, सारे के सारे बहुत पराक्रमी थे, पर किसी भी व्यक्ति की वजह से कुल नहीं जाना जाता। कुल तारणहार कौन हुआ? कुल तारणहार भगवान राम आए। भगवान राम का जन्म मानो दशरथ के लिए कई जन्मों के पुण्यों का फल है। कैसे मिला? भगवान शिव की कृपा से मिला। बाबा शिव की कृपा हुई, बाबा शिव की आराधना हुई, तो उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। और उसी पुत्र ने जब लंका पर विजयी होना ही उन्हें भगवत्ता का अधिपति बनाता है। एक आतताई, एक राक्षस का वध करने की क्षमता और शक्ति रामायण में लिखा है। रामायण कहती है, रामेश्वरम की स्थापना के बाद आई हमें, रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद वो राजा दशरथ के पुत्र नहीं रहे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, उन्हें भगवान राम कहा गया, उन्हें रघुकुल का चिराग, रघुकुल नंदन और रघुकुल का सबसे बड़ा राजा बनाया। मेरे बाबा की कृपा है, मेरे नाथ की कृपा है। इस सृष्टि में जब तुम कुछ नया देखते हो, जब पृथ्वी शिवलिंग की भांति रखी होती है, आसमान अर्घे के जैसा शिवलिंग को अपने अंदर समाहित किए होता है और जलवृष्टि होती है, तो मानो
अभिषेक हो रहा है, मानो भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। और अभिषेक होते ही चारों तरफ रंग रोगन दिखता है, चारों तरफ एक नया कलर दिखता है, एक नया आनंद दिखता है, एक नया वैभव दिखता है। पुष्पित होती है पृथ्वी, फलित होती है और श्रृंगारित होती है, मानो कोई रंग रंग रहा है चारों तरफ। हाँ, ये कब होता है? ये जब अभिषेक होता है बाबा पर। पृथ्वी और आसमान के मिलने का माध्यम कौन है? वो अभिषेक। दो लोग बिछड़ गए हो, अगर ध्यान से समझना, कोई आपको छोड़कर चला गया हो, रिश्ते कितने ही खराब हो गए हो, पति पत्नी के मध्य में अगर अव्यवस्था है तो शिव पुराण कहती है बाबा शिव के पास इसका पूरा अधिपत्य है। पृथ्वी उस जल को अपने ऊपर गिरता हुआ ऐसे महसूस करती है कि मानो आसमान से मिलन हो रहा है। ये ऐसा विरह का अद्भुत आनंद स्वरूप पर्व है, इसका नाम श्रावण है। इसीलिए श्रावण को हमेशा सुंदरता के लिए, श्रृंगार के लिए, पूजा के लिए, अच्छा वर प्राप्ति करने के लिए, विवाह के लिए, खजरी तीज हो, कितने सारे पर्व आते हैं इसमें। श्रावण का मास हर व्यक्ति के लिए बड़ा शुभता और आनंद का प्रतिदायक है। बाबा शिव की महिमा है ये, बाबा शिव की गाथा है ये, इसे सुनने मात्र से तुम्हें तुम्हारा वर मिलता है। एक तो वो वर होता है जो तुम्हारा मांग रखता है, और एक वो वर होता है जो तुम पाना चाहते हो, उसे भी वर कहते हैं। मांगो क्या वरदान चाहिए, क्या वर चाहिए, बोलते ना ऐसे। तो वो अमोघ कवचधारी मेरा बाबा कैलाशपति शिव अपनी पुराण के माध्यम से आपको आदेशित कर रहा है, मानो बाबा शिव की महिमा, बाबा शिव की गाथा से आपकी तरफ ये बात पहुंच रही है कि अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में सुमधुर करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बहुत बेहतरीन बना लेना चाहते हैं, बाबा शिव का अभिषेक कीजिए, बाबा शिव के ऊपर जल चढ़ाइए। अगर निरंतर गुलाब जल डालकर बाबा शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाए तो ऐसी मान्यता है कि आपके जीवन में सुगंधी आती है, आपका रोने का समय समाप्त हो जाता है और आपको वो सुख मिलता है, आपको वो संपदा मिलती है, आपको वो सब कुछ प्राप्त होता है जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसा कौन सा मनोरथ है तुम्हारा जो सिद्ध नहीं हो सकता? बाबा शिव पर 5 बेलपत्र चढ़ाना, 1 में ओम नमः शिवाय लिखना, 1 में ह्लीम नमः शिवाय लिखना, 3 में क्लीम नमः शिवाय लिखना और 4 में हम नमः शिवाय लिखना और 5 में श्री नमः शिवाय लिखना। ऐसा कर भगवान शिव पर चढ़ाइए, फिर देखिएगा आपके हर मनोरथ की सिद्धि होगी, आपके हर इच्छाओं की सिद्धि होगी और तुम जो भी चपाना चाहते हो तत्काल मिलेगा। तुम्हें बर चाहिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हें तुम्हारा रिश्ता ठीक करना चाहिए, तुम्हारे संबंधों में हर हाल में तुम्हें जीत चाहिए, तुम्हें वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, धन चाहिए, आनंद चाहिए, घर में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, जो भी चाहिए बाबा शिव बांट रहा है। हाँ, बाबा शिव दे रहा है, तुम लेने के लिए तैयार तो हो जाओ। वो दान दाता है, बहुत कुछ देना चाहता है, तुम लेने के लिए तैयार तो हो जाओ। पृथ्वी लोक भगवान शिव के हाथ में है, पृथ्वी लोक बाबा शिव ने अपने पास रखा है और यहां के प्राणियों को सुख देना बाबा के हाथ में है। जो पतित पावन गंगा है ना,
उसे संभालने के लिए भगवान शिव चाहिए। उसकी अपनी जटाओं में, उसकी अपनी जटाओं में ही वो विराजमान हो सकती है, वरना तो पाताल में चली जाएंगी। तभी तो मैं कहता हूं, जटों में गंगा जी विहार करें, उन्हीं से गौरा रानी प्यार करें। प्रेम की जो भावना है, आपको मैं फिर एक बात कहता हूं, थोड़ी दबेश्वर में कहूंगा, थोड़ा निवेदन कर कहूंगा, फिर से आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सकारात्मकता से लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। माता सती का दूसरा जन्म एक ये भी भाव है, इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने प्रेम को पाना था, प्रेम विवाह करना था, क्योंकि सती का विवाह प्रेम विवाह नहीं था, लेकिन पार्वती का विवाह प्रेम विवाह। जन्म कोट तक रगड़ हमारी, कितने ही कोट यानी करोड़ों जन्मों तक भी अगर मुझे रगड़ना पड़े, पूजा करना पड़े, तुम्हारी आराधना करना पड़े, बरहु शंभु नत राहु कुमारी, शंभु चाहिए नहीं तो नहीं कोई चाहिए। और कोई इसके लिए कोई द्वंद नहीं है, कोई इस बात के लिए कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, प्रेम। जम कोट तक रगड़ा हमारी, बरहु शंभु नत राहु कुमारी, बस एक ही जिद है, वरण होगा, पति होगा, मेरा स्वामी होगा, मेरा नाथ होगा, तो शंभू होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा, बस इतनी से तो बात है। बाकी कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई रो नहीं रहे बैठकर, कोई परेशान नहीं हो रहा है, कर क्या रही है पता आपको, माता क्या करती रही शंभू को पाने के लिए मालूम है? बाबा शिव को मनाती रही, बाबा शिव की पूजा करती रही, और क्या कहती रही पता है? मुझे पता है कि तुम प्रेम प्रदाता हो, मुझे पता है तो तुम स्नेह वात्सल्य के रूप हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामी। मैं ऐसा समझती हूं कि तुम कर्पूर के समान सुंदर, बिल्कुल सफेद रखे हो आप तो, और मैं ऐसा मानती हूं कि आप प्रेम देते हो, मैं ऐसा मानती हूं कि तुम ही तो हो जो दो लोगों को एक कर देते हो। पूरी की पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण अलग अलग हैं, भाई 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 रुक्मणी और कृष्ण दो मूर्तियां हैं, भाई सीता और राम की दो मूर्तियां हैं, लेकिन मेरे बाबा तो अर्ध नारेश्वर में, आधा शरीर माता का और आधा पार्वती का आधा बाबा का, आधे में मैया है आधे में बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नाथ का दर्शन, दूसरा कोई दर्शन नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा। ये दर्शन, ये विधा, ये सिस्टम, ये परंपरा, ये निजता सिर्फ और सिर्फ मेरे नाथ में है, बाकी कहीं नहीं। ध्यान से समझना शिव भक्तों, बाबा शिव जो दे सकता है प्रेम, प्रेम तो बाबा ने ही बनाया है, प्रेम करना बाबा ने बताया है। आपको पता है एक इकलौता देवता है जिस पर जल वृष्टि निरंतर करनी पड़ती है, जिसे जल से प्रेम है, जल में स्पंदन है ना, जल में एक एहसास है, जल जीवित है, जल जल क्या है, जल जीवित है, जल में जान है, जल में प्राण है, जल में वायु है, जल में श्वास है, जल में की स्पर्श है। मेरा बाबा समझता है इस बात को, मेरा नाथ समझता है इस बात को। अगर तुम्हारे अपने जीवन में तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना शुरू कर दो, क्या करना शुरू कर दो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना शुरू कर दो,
मैं कह रहा हूँ तुम्हें नहीं प्यास लगी तो मुंह जूठा करना शुरू कर दो, जरा जरा एक ग्लास पानी उठाओ और अपने मुंह को लगाओ, मुंह जूठा ही सही करो तो सही, हाँ जूठा करने के लिए ही सही। उस जल को अपने अंदर बार बार जाने दो, आपके दुख के एहसास को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। आपकी तकलीफों को, आपके संकट को मिटाने का सबसे बड़ा साधन है भगवान शिव की परंपरा है। पूरे विश्व में यही एक ऐसा नाथ है जो कहता है एक लोटा जल चढ़ा दो सब ठीक होगा। तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि शनि राहु केतु खराब हो गए और इनकी वजह से दिक्कत आती है, शास्त्र कहता है, पुराण कहती है कि अगर ये ग्रह खराब हो जाए तो आपके जीवन में अवरोध आने लगते हैं, आपके काम उतनी स्पीड में नहीं हो पाते, आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, आप कुछ भी करने जाएं हमेशा दिक्कतें आती हैं, तो क्या करें, एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल डालकर बाबा शिव को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। राहु केतु शनि सब समाप्त हो जाए, कोई नहीं बचे, और इन कुप्रभावों से आपको मेरा नाथ बचाएगा, उसकी कृपा होगी आप पर, हाँ उसकी दया होगी आप पर, उसकी करुणा होगी आप पर। ये प्रेमेश्वर महादेव हैं, हाँ ये आनंदेश्वर महादेव हैं, ये नित्येश्वर महादेव हैं, ये सर्वेश्वर महादेव हैं, इनके अनन्य नाम है, अनन्य स्वरूप है। और आपको पता है बाबा शिव ये वो देवता है जो तुम्हारे दुख में दुखी और तुम्हारे सुख में सुखी होता है। बाबा शिव का नाता और तुम्हारा नाता बिल्कुल एक जैसा है, एक साथ। शिव भक्त ये बात जानते हैं, शिव भक्त इस बात को समझते हैं। शिव महापुराण कहती है जिसने भी बाबा शिव का हाथ पकड़ा तो चाहे नियम चेंज करना पड़ा हो, चाहे कानून बदलने पड़े हो, चाहे कुछ नया करना पड़ा हो, पर दया और कृपा तो हुई होगी। हाँ जो हो सकता है वो तो कोई भी कर सकता हो, जो नहीं हो सकता वो मेरा नाथ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाँ यदि नाथ का नाम, तबला नहीं बजाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी, ऐसा ही ना। आज से परिवर्तित करते हैं इस लाइन को, क्योंकि मुझे मेरे नाथ पर पूर्ण विश्वास है। जिसको जिसको विश्वास है हाथ उठाकर बोलना, कोई इस पर नाचना कूदना नहीं है, इस पर शंख घड़ियाल नहीं बजाना, इस पर तो हम प्रार्थना करेंगे कि यदि नाथ का नाम, किसका, नाथ का, भोलानाथ का, कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। यदि नाथ का नाम कभी ना कभी, क्यों, ऐसा संबंध नहीं है मेरे नाथ से,
जो चाहिए वो वर्तमान में चाहिए, न भविष्य में चाहिए न भूतकाल में चाहिए, जो चाहिए वर्तमान में चाहिए, क्योंकि मेरा तो नाथ भूतों का भी नाथ है। वो भविष्य का भी नाथ है, वो भूतों का भी नाथ है, वो वर्तमान का भी नाथ है, तो अभी चाहिए। हाँ, तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। एक बार बोलिए कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है, एक साथ नहीं मन में बोलिए, हम है ना, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। अभी ना भी कहना है, ये लाइन अभी चेंज कर लेते हैं। तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी, तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। तो भोलानाथ से ये संबंध बनाओ, उस पर ये अधिकार बनाना, उस पर ये तुम्हारा अधिपत्य होना चाहिए इस स्तर पर कि आप कह सकें कभी ना कभी नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। जो चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि अभी के अभी हो, तो मेरे नाथ के शरण में आओ ना। मेरी कथा कहती है, यीशु महिमा कथा कह रही है कि तुम्हारे जीवन के संकट आज के आज समाप्त होने वाले हैं। मुझे तो भरोसा है तुम पर, तुम्हें भी है क्या खुद पर? मुझे खुद पर भी है, मुझे इन पर भी है, मुझे तुम पर भी है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। आज अगर तुम चाहते हो यहां से उठने के बाद तुम पर कृपा हो, तुम पर दया हो, तुम पर करुणा हो मेरे नाथ की, तो तुम भाव बनाना, तुम इस आज ही संकल्प करना कि तुम इस शिव महिमा में अपना पूरा मनोयोग लगाओगे। अपने पूरे मनोयोग से अगर तुम शिव महिमा में लग रहे हो, तो मैं शिव भक्त होकर ये कह रहा हूं, मेरे नाथ की तरफ से तुम्हें ये बात कह रहा हूं कि तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हारे भाग्य में है तो भी, तुम्हारी किस्मत में है तो भी, तुम्हारी लक में लिखा है तो भी, तुम्हारे प्रारब्ध में परमात्मा ने लिख कर भेजा है तो भी, और नहीं लिखा है तो भी। चूंकि बाबा तुलसीदास कहते हैं, इसे कहते हैं, मंत्रों का अधिपति मेरा नाथ है। मंत्रों की सारी शक्ति भगवान शिव में है। कोई भी मंत्र ओम के पहले शुरू नहीं होता, क्यों? चूंकि सबका अधिपत्य तो बाबा शिव के पास है। चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण सब ओम से शुरू है और ओम में समाहित है। तभी तो बाबा तुलसी ये कहते हैं कि भाग्य को भी मेट सकते हैं त्रिपुरारी, भाभी वो मेट सके त्रिपुरारी, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तुम ये जानते हो मेरे बच्चों, अगर तुम ये जानते हो शिव भक्तों, अगर तुम्हें ये पता है कि वो सब कर सकते हैं, तो भाई तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो सिर्फ मेरे नाथ के चरणों में झुकना है, तुम्हें तो सिर्फ मेरे नाथ के चरणों में अपना सर रखना है, तुम्हें तो बस नतमस्तक हो जाना है, तुम्हें तो श्रद्धावंत हो जाना है, तुम्हें तो बस मेरे नाथ की भक्ति में लीन हो जाना है, बाकी तो सब काम वो खुद कर रहा है। हाँ, तुम्हें तो बस उसका हो जाना है, बस उसका हो जाओ तुम, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं बचेगा, फिर सारा का सारा काम मेरा नाथ करेगा। फिर तुम पूजा नहीं करते चलेगा, तुम पाठ कम करते हो चलेगा, तुम उपवास कम कर पाते हो चलेगा, तुमसे बहुत ज्यादा धर्म नहीं होता चलेगा, तुम बहुत ज्यादा सत्कर्मी नहीं हो चलेगा, तुमसे बहुत 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 ज्यादा सत्य बोलना नहीं हो पाता चलेगा, तुम एकादशी पूर्णिमा तृतीया और देखो तुम प्रदोष नहीं रह पाते, तुम सोमवार नहीं रह पाते, तुम जल नहीं चढ़ा पाते, तुम दूध नहीं चढ़ा पाते, तुम पंचामृत नहीं चढ़ा पाते, तुम मंदिर नहीं जा पाते, तुम देवालय नहीं जा पाते, तुम दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाने के लिए तैयार नहीं हो तो भी। मेरा नाथ
तुम पर दया करेगा, मेरा नाथ तुम पर कृपा करेगा, तुम तो बस उसके हो जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास साक्षात भगवान शिव है, पार्वती है। भवानी शंकरो बंदे, हाँ, एक संत हुए वृंदावन में, उन्होंने बड़ी जोर से कहा, तो मैंने तुमसे कहा ना, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हें वो फल देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा संबंध अच्छा है उनसे, तुम्हारा प्रेम है उनसे, प्रेम करो ना भगवान से। एक संत हुए, उन्हें बाबा से कहा, बोले माला फेरू न जपो करूं और सुमिरन करूं न राम। बोले माला फेरूं न जपो करूं और जिव्या रटे न नाम, मेरा सुमिरन वो करें, मेरा सुमिरन वो करें, मैं पावा विश्राम। ये कैसे? ये भाव है, ये संबंध है, ये रिश्ता है, ये रिलेशन है, क्योंकि श्रद्धा है और विश्वास है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और सामर्थ्य की आवश्यकता है, तो बाबा शिव के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, श्रद्धा और व्रत हो जाओ। इस कथा की दिशा और धार इस सरोवर की गहराई की तरह बढ़ती जा रही है, ये धीरे धीरे चलते चलते तुम्हारे जीवन को स्पर्श करते हुए तुम्हारे निजता को, स्वयमेवता को, तुम्हारे एहसास को, तुम्हारे खास को, प्यार को, मित्र को, व्यवहार को, परिवार को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ रही है। बाबा शिव तुम्हें शत प्रतिशत आनंदित और सुव्यवस्थित करे, ऐसा बाबा शिव से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सदगुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सत मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है,
जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें 9936601255 8602904638।